चौकी प्रखंड के पंचायत को छत्ता में है, जो कि पंचायत पड़ताल में आए हैं। यहाँ पर यहाँ के कुछ नौजवान साथी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर कोछासा पंचायत में क्या विकास हुआ, क्या क्या हुआ इस पंचायत में। हम उन लोगों से जानेंगे, कुछ साथी लोग हैं, कि क्या यहाँ विकास हुआ। क्या आपका नाम है? क्या बता सकते हैं कि इस पंचायत में अभी तक क्या क्या विकास का कार्य हुआ है? क्या यहाँ पर कॉलोनी मिला है? नहीं, कॉलोनी नहीं मिला। क्या आपको नहीं मिला कॉलोनी? नहीं मिला। ये बताइए, वृद्धा पेंशन ये सब? वृद्धा पेंशन वो ये नल जल पर जो काम होता है, साथ नीचे में जो कि नल जल की व्यवस्था करना था मुखिया जी के द्वारा, क्या नल जल यहाँ बना है? नल जल से बनने के बाद पानी दे रहा है? पानी मतलब टाइम से नहीं देता है। मन में आया तो होता बता कि चार दिन मतलब पानी मिलता है, दो चार दिन पानी मिलता है। हाँ, मतलब रेगुलर पानी नहीं आता है नल जल का, जगह पानी नहीं आता है। उनसे भी जान लेते हैं कि क्या सच्चाई है इस पंचायत का। इस गांव में हम देख रहे हैं तो कैमरा मैन से कहेंगे कि आप चारों पट्टी घुमा करके देखेंगे इस गांव से। इस गांव में हम जैसे देख रहे हैं कि बहुत से घर अभी ठीक है तो खुश रहा है, लेकिन सरकार दावा करती है कि हम इतना हर साल मकान दे रहे हैं। मुखिया दावा करते हैं कि मैं हर साल इतना मकान देता हूँ। आखिर यहाँ के गरीबों के जो खास करके लगता है कि अनुसूचित जाति का गाँव है, अनुसूचित जाति का महला है, लेकिन चारों पट्टी जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो केवल ठोस अखाड़ा से घेरा हुआ है। आज तक लगता है कि यहाँ पर कॉलोनी ये सब नहीं है। क्या इस गांव के विकास हुआ? विकास तो कुछ हुआ है, कॉलोनी सब नहीं है, घेर का मिला है गाँव में। क्या बोलते हैं? बोलता है कि मिलेगा, सबको मिलेगा। कब मिलेगा? कब मिलेगा? ऊपर से आएगा तब मिलेगा। ऊपर से आएगा तब? मतलब फिर चुनाव, ये जो चुनाव आ रहा है तो इसमें अभी क्या मुखिया जी जो वर्तमान में है उनको सपोर्ट करेंगे कि चेंज करेंगे? नहीं करें, सपोर्ट करेंगे। आप बोले कि इनके ही सपोर्ट, जब काम नहीं किया तो फिर इनको सपोर्ट कैसे आप करेंगे? काम किए हैं ना। काम तो अभी तो आप बोल रहे थे कि काम नहीं किए हैं। काम कहाँ नहीं कर रहे? चलिए, दलित समाज से आते हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या इस पंचायत में क्या क्या काम हुआ। क्या नाम है आपका चाची? क्या आपको यहाँ पर कॉलोनी मिला है? अभी तक कॉलोनी नहीं मिला है। ये बताइए कि नल जल ये जो सरकार ने व्यवस्था किया था कि हर एक घर में हम नल जल की व्यवस्था करें, क्या वैसा हुआ? नल जल भी नहीं मिला आपको? आपके घर में जो बुजुर्ग हैं या पेंशन वैसा कोई है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन वैसा कुछ है? पेंशन भी नहीं मिला है? विधवा पेंशन आपको मिलता है? ना, कुछ नहीं। आपका विधवा पेंशन भी नहीं मिला? देखिए ये पंचायत है, सच्चा पंचायत, लेकिन सच्चाई है कि यहाँ पर सरकार जो दावा करती है कि हम हर एक घर में नल जल की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ बात नहीं है। यहाँ नल जल की व्यवस्था कभी टूटी भी हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन चारों पट्टी हम नज़र दौड़ा के देख रहे हैं तो अभी कुछ कपड़े के मकान हैं। इसी महाले में हाँ, बहुत से ऐसे घर हैं, जैसे मैं अपने सहयोगी से कहेंगे पूरा कैमरा घुमा कर घर दिखाएंगे। हाँ, जो कि पूरा फूस का घर है, मिट्टी का घर है। हाँ, और यहाँ पर हमको लगता है कि विकास नाम के काम नहीं हुआ, केवल यहाँ पर भलैया है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या आप लोग के कॉलोनी मिला कि नहीं, इंदिरा आवास मिला कि नहीं, या और जैसे नल जल के बूढ़ा बुढ़िया के राज्य मिल रही है वो भी नहीं नजर आ रहा है। यहाँ यहाँ तो क्या हुआ है, क्या आप बताएंगे चाची कि आपको इंदिरा आवास मिला है? बूढ़े बूढ़े हाजिर के हैं, दोबारा लेना चाह रहे हैं कि फर्स्ट बार लेना चाह रहे हैं? आपको दोबारा आपको नहीं मिला है? हमने के नाम मिल नहीं, नाम मिल गया। आपके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है क्या? बूढ़ा बूढ़ी ना ना।
एक और है उनसे पूछ लेते हैं क्या यहाँ पर कोई विकास को ऐसा काम हुआ है। मुखिया जी जैसे देख रहे हैं घर पूरा फूस के घर है, पुलनी मिला है इस समाज में यहाँ इस गांव में इस महल्ले में क्या बोले? पहले आप अपना नाम बताइए। मनोरमा जी तो बताइए आपको पुलिस नहीं मिला सर? नहीं मिला है देखिए गांव के मुखिया हैं लेकिन फिर भी यहाँ कोलनी नहीं मिला। नाम क्या है आपका? सूर्य देवी। तो क्या मतलब मुखिया जी से खुश है कि नरुष्ट है? हमने नरुष्ट ही है। कहा दीवा कहा? कहा है नरुष्ट है मुखिया जी। ससुर मरला थी सर, गेली बोला किला से है तनी 5 रुपया मतलब कभी टेस्टी का पैसा भी नहीं मिलता है ना ना मुखिया जी नहीं ना ने पूछो ना हमने जाए थी मुखिया के 3 साल से कम नहीं बता रहे थे दिखाएंगे अपने सहयोगी से कहेंगे कि पूरा दिखाएंगे घर गली देखे। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के कोली नहीं मिला है, पैसा भी नहीं मिला है। आप देख रहे थे बीआरजेडी जनता की आवाज। हमारे साथ सहयोगी रवि रंजन जी और पंचायत के सहयोगी देवबली जी। जय भीम जय भारत।